जय हिंद, जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं जो 22 जनवरी को क्या क्या यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आपका अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं उसे इस ब्लॉग में देखेंगे। और यहाँ पे अभी हम चलते हैं अंदर और क्या क्या तैयारियाँ हैं वो चीज़ दिखाएंगे आपको। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों वो पुराना वाला आपका अयोध्या धाम जंक्शन वो वाला स्टेशन है। उसके बाद अभी देखिए इसके जस्ट सामने यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया बढ़िया हम यहाँ पे बैनर लगाए गए हैं। इतनी बढ़िया तरीके से इसको सजाया जा रहा है और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इतना बढ़िया तरीके से। ये हाल आपका नया वाला है। थोड़ा सा अभी मैं इस साइड में लेके चलूँगा, इस साइड से बाहर की तरफ, फिर अंदर देखेंगे उसके बाद हम अंदर जाएंगे। बाकी अभी लेके चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। अभी ये देखिए कितनी बढ़िया से अयोध्या धाम स्टेशन को सजाया जा रहा है, किस प्रकार से वो चीज़ दिखाएंगे अभी हम आपको। ये है आपका अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और बाकी देखिए यहाँ पे भी तो देखने को मिलेंगे, इस साइड में देखिए इतनी बढ़िया तरीके से सजाया जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ देखिए कितना बढ़िया, ये भी अयोध्या धाम जंक्शन का नया वाला कितनी बढ़िया तरीके से जगमगा रहा है इस प्रकार। और बढ़िया बढ़िया पोस्टर यहाँ पे लगाए गए। देखिए आगे पूज्य संत एवं अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। दोस्तों किस प्रकार जगमगा रहा है अयोध्या धाम जंक्शन, यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ये बना के तैयार हुआ है। लेकिन अभी क्या है ना, पूरा गेट जो है वो खोला नहीं गया है, कुछ कुछ गेट बंद हैं आपके, उस पर ताला लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे भी एक ब्रेकर टाइप का पूरा बनाया गया, कितना बढ़िया। यहाँ पे देखो मतलब जैसे कोई फास्ट ड्राइविंग ना करे बस उसी लिए। तो बाकी ये देखिए अब और डोर क्लोज मतलब आधे ज़्यादा क्या है, डोर अभी क्लोज़ किया गया है। ये भी बढ़िया तरीके से सजाया जा रहा है पूरा, वो चीज़ आप देखिए। बाकी मैं थोड़ा सा पीस साइड लेके चलूँगा, वहाँ पे भी दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अभी हम सीधे चलते हैं आपको पूरा रेलवे स्टेशन पे क्या क्या हो रहा है 22 जनवरी को लेके, वो सारी तैयारियाँ दिखाएंगे। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन बन के तैयार कितने भव्य तरीके से हुआ था वो आपने देखा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे जब उद्घाटन करने, उस प्रकार किस प्रकार सजा था वो देखा आपने, दिखाया था मैंने। और बाकी यहाँ पर भी देखिए पूरा इतना बढ़िया तरीके से बना दिया गया है। अभी क्या है कि मतलब ये अंदर का थोड़ा अरेंज हो रहा है, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है मतलब व्यवस्था की जा रही है सारी चीज़ की। तो जो हमारे बाहर सब चीज़ें आने वाले हैं सारे, तो इस वजह से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है अभी। और बाकी का थोड़ा सा बाहर का ही हम देखते हैं थोड़ा सिक्योरिटी की वजह से। और यहाँ पर देखिए ये रेलवे स्टेशन किस प्रकार बन के तैयार हो रहा है, इतना बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर ये वाली सीटें जो हैं आपका पूरा लग के बढ़िया तरीके से तैयार लग गई हैं, देखिए फिक्स किया गया है, अलग अलग सीटें थी। और देखिए किस समय यहाँ पे भी आप देखिए जो कि कैसे बन के तैयार हुआ ये। और उसके बाद ये है आपका सारा गेट यहाँ पे, और ये वाला ऊपर जो जाने के लिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 15 से मतलब वहाँ से ऊपर से 15 गेट नंबर 15 से कनेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। और ये देखिए इसके ऊपर ना इतना भव्य बन के तैयार हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, आप उसमें जाके देखिएगा मैंने जब बनाया था, बहुत बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है, वो आप देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, तो आप भाई अंदर का जो है ना मैंने सारा उसमें दिखाया है, तो वो आप देख लीजिएगा जाके। बाकी का ऐसे मैं थोड़ा सा आपको बाहर बाहर का दिखा देता हूँ क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं अभी। वैसे तो अभी ये बन के तैयार ही हो रहा है, और मेरे ख्याल से तो 22 तारीख तक ये सारा बन के ऊपर तैयार है, वो तो आप देखेंगे जाके। बाकी आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आप। दोस्तों ई एक्सीलेटर जो लगा हुआ था, जिसमें हमारे कमेंट में बहुत से भाइयों ने बताया था उसका, वो देखो यहाँ पर भी ये बन के तैयार हो रहा है, लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ देखो इसका ये करके पूरा यहाँ से लोग ऊपर जा भी रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया ये पूरा यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए एक ऊपर से भी इसमें से कनेक्ट हुआ है, जो कि गेट नंबर 15 से ऊपर कनेक्ट हुआ है। और ये चीज़ बन के तैयार हो रहा है, देखिए ये जो आपका वो था इलेक्ट्रॉनिक वाला भी चल भाभी, मतलब क्या है इसको चार्ज नहीं किया है, वैसे सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा हमें। और ऊपर का मैं सोच रहा था थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसी ब्लॉग में यहाँ पे कैसे पूरा बन रहा है ये। यहाँ पे ये देखो ये ऊपर से नज़ारा देखो कितना बढ़िया यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ तो कैसे अयोध्या दिख रही है। और यहाँ पे कैसे किस प्रकार से बन के तैयार हो रहा है पूरा, वो चीज़ देखो। यही गेट नंबर 15 से आपका जो मैं बता रहा था वही चीज़ है। और ये देखिए काम कितनी तेज़ी से चल रहा है इसको बनाने के लिए, क्योंकि आप देखिए ये कितना बढ़िया भव्य रूप से बन के तैयार हो रहा है।
और ये भी देखिए दिनों रात एक करके यहाँ पे काम चल रहा है। मैं तो भैया हट जा रहा हूँ किनारे फिलहाल। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया कितना भव्य ये प्लेटफॉर्म ऊपर बन के तैयार हो रहा है। ये चीज़ देखो। और उसके बाद अभी हम थोड़ा सा उधर भी लेके चलेंगे आपको और वहाँ का भी दिखाएंगे दूसरी तरफ। और ये इसको टीन शेड से पैक किया जा रहा है जो कि ऊपर आप देखो लोग हैं वहाँ पे। उसके बाद अभी सेकंड प्लेटफॉर्म पे हम चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए वो उसकी क्या बोलते हैं आपका लिफ्ट की सुविधा दी गई है, एक यहाँ पे है एक वहाँ पे डायरेक्ट मतलब उतरने के लिए। चाहे तो आप सीढ़ियों से उतर सकते हैं और यहाँ पे ई एक्सीलेटर वाला भी एलिवेटर वाला भी लगाया गया है। और ये सीढ़ियाँ अभी आपका यहाँ पर दी गई है देखिए पूरा वो देखिए एक दो तीन तीन लिफ्ट लगाई गई है। और जैसे एक वो है एक ये है और एक ये है तीन दो। और ये बन के इतना भव्य रूप से तैयार हो रहा है ये वाला आपका अयोध्या धाम जंक्शन। अभी भी बन ही रहा है डेवलप अभी भी यहाँ पे इस समय चल ही रहा है। और बाकी यहाँ से अभी देखिए थोड़ा सा नीचे उतरते हैं हम। यहाँ पे भी लगातार कार्य जो हो रहे हैं देखिए कैसे वहाँ पर कार्य चल रहे हैं वो चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ से कितना बढ़िया नज़ारा भी आता है क्योंकि इस साइड में भी आप देखेंगे। ये देखिए ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर थर्ड वाला भी देखते हैं आगे नीचे चल के। प्लेटफॉर्म नंबर सेकंड पे आ चुके हैं और यहाँ का भी थोड़ा सा आपको कार्य दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म सेकंड तो अभी इस समय रेल आ रही है इस समय ट्रेन इस पर। और थर्ड वाला जो था वो भी कैसे डेवलप हो रहा है वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये देखिए इसको यहाँ वाले पे भी पूरा आपका बनाया जा रहा है, ग्रिल लगाया जा रहा है दोनों तरफ। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो चीज़ देखो ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर थर्ड वाला इसको उखाड़ने के बाद दोबारा डेवलप किया गया था। तो अभी भी इसको देखिए कितनी तेज़ी से और कितना तेज़ी से यहाँ पे कार्य चल रहा है उसको बनाया जा रहा है देखिए पूरा ऐसे करके। यहाँ पे आपका देख सकते हैं अप साइड में पूरा बनते चले आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना बढ़िया भव्य रेलवे स्टेशन आपका बन के तैयार हो रहा है अयोध्या धाम जंक्शन। और उसके बाद अभी हम ऊपर चलेंगे, ऊपर से थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएंगे, कमाल का व्यू आता है एक नंबर वो चीज़ दिखाएँगे आपको। और बाकी सीधे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर हम चढ़ते हैं सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और ऊपर से जो व्यू होने वाला है वो चीज़ आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं से एक बहुत बढ़िया व्यू आता है भाई जो कि पहले मैं इस साइड दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया ये भव्य रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो रहा है। ये आपका प्लेटफॉर्म जो आपका थर्ड वाला कैसे पूरी पटरियाँ बिछा दी आ रही हैं और सब चीज़ इतना बढ़िया तरीके से वहाँ पर देखो किस प्रकार से पूरा उठाया जाता है क्रेन से उठा रहे हैं। और उसके बाद ये भी जब बन के तैयार हो जाएगा मतलब अभी तो क्या है कि आपका प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो पे ही आ रही है, अभी थर्ड वाला तो बन ही रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब तीन आपका होने वाला है प्लेटफॉर्म और चौथा बनेगा कि नहीं इसका बारे में तो मुझे नहीं, मेरे ख्याल से बनना चाहिए क्योंकि अच्छा खासा वहाँ पर भी गैप है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बाकी का देखेंगे जब बनेगा तो भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे अच्छा खासा जो है हमें कार्य देखने को मिला रेलवे स्टेशन का और क्या क्या तैयारियाँ हैं वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक चीज़ देखो कितना बढ़िया है यहाँ पे भाई साहब देखिए पूजे की हर ज़रूरत के लिए पूरा कितना बढ़िया तरीके से बैनर टाइप का जो भाई साहब कितना बढ़िया प्रचार किया गया देखिए इसे करके पूरे रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद मैं दूसरे साइड का भी दिखाता हूँ आपको, देखिएगा इस साइड में भी कितना बढ़िया आपका चल रहा है और वो चीज़ आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया आपका कार्य चल रहा है। ये है रेलवे स्टेशन की खूबसूरती जो कि बहुत बढ़ चुकी है जब से अयोध्या धाम जंक्शन हुआ है और बन के तैयार हुआ है, चीज़ आप देख ही सकते हैं। और उस साइड में भी देखिए कितना बढ़िया कुछ वो मतलब हॉल टाइप का पूरा बन रहा है वहाँ पे, जो कि अभी भी उसका निर्माण कार्य चालू है, अभी बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा फिर हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम ऊपर आए हुए हैं सीढ़ियों से, जैसा मैं दिखा रहा था आपको ऊपर से नज़ारा दिखा रहा था। और एक और मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ से, ये देखो इतना बढ़िया ये लग रहा है। और ऊपर से आप देखिए ये है आपका नया वाला उस साइड को जो दिख रहा है गुंबद टाइप का वो नया बना है और इसके नीचे वाला ये वाला जो अभी पुराना वाला था इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है इसको मतलब रीडेवलप करके। और मैं सोच रहा था ना कुछ फ़ोटोज़ मैं शेयर करूं जो कि आपका या तो आप इसी पे मैं कर दूँगा ओवरले करके पुराना स्टेशन कैसा था और नया वाला फ़ोटो के माध्यम से तब आप देखेंगे। और बाकी देखिए ये पूरा रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो रहा है और मेरे ख्याल से 22 जनवरी तक हो जाए, वैसे आज है आपका तो शायद हो जाए। और यहाँ पे देखिए यही सब मतलब यहाँ पे सारी ट्रेनें जो हैं वो मतलब माननीय योगी जी और मोदी जी आपका उद्घाटन करके गए थे, यहाँ पे चलने भी लगेंगी जल्दी। और जैसे डेवलप हो रहा है इस वजह से कुछ ट्रेनें हैं वो
कैंसिल कर दी गई हैं और बाकी ये डेवलप हो रहा है इसी वजह से। बाकी का आप ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है और ये सब आप देखिए। बाकी हम आगे नीचे चलते हैं और आपको नीचे से भी थोड़ा सा देखते हैं और दिखाते हैं। तो और दोस्तों यहाँ से मैं जब देख रहा हूँ ये देखो इतना बड़ा हॉल बन के तैयार हो रहा है यहाँ पे। और ये चीज़ आपको देखिए कितना, मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से बैठने उठने के लिए या ऐसा कुछ भी बना रहे होंगे, पार्किंग एरिया टाइप का बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, पार्किंग एरिया ही थी ये वाला बनाए थे। और वही चीज़ मेरे ख्याल से आप बना रहे होंगे, पूरा शेल्टर उल्टर कैसे लगा रहे हैं देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से और कितना बड़ा ये बन के तैयार हो रहा है। देखिए इसके ऊपर भी लोग कार्य कर रहे हैं निरंतर अभी। और अभी थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, लेके नीचे भी आपको दिखाएंगे और यहीं से नीचे चलेंगे हम। एग्ज़िट यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं आप। तो फाइनली मैंने अयोध्या धाम जंक्शन का कुछ सारा अपडेट दे दिया, यहाँ पे क्या क्या चल रहा था और वो चीज़ हमने देखा इस ब्लॉग में। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।